हेलो फ्रेंड वेलकम टू स्टडी न्यूज़ आज हम इस वीडियो में मानस नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे सो अस स्टार्ट एक अक्टूबर 1928 को मानस नेशनल पार्क को अभ्यारण घोषित किया गया था वन्यजीव अभ्यारण से पहले ये एक आरक्षित वन था ये मानस नदी चैनलों के साथ स्थित है इस अभ्यारण्य में जलोड़ घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और कई पहाड़ियाँ शामिल हैं इस अभ्यारण्य में कई लुप्त प्राय व दुर्लभ जानवरों का निवास स्थान है ये अभ्यारण्य पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा उन्नीस में नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था मानस अभ्यारण को न केवल इसकी समृद्ध जैव विविधता के लिए बल्कि इसके शानदार दृश्य और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है ये पार्क पूर्वी हिमालय की गोद में स्थित है इसकी उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है ये आरक्षित जंगलों द्वारा पूर्व और पश्चिम में बहती राजसी मानस नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है इसमें टाइगर रिजर्व और एनिफेंट रिजर्व है इस पार्क का नाम मानस नदी पर ही पड़ा है मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो पार्क के केंद्र से होकर गुजरती है ये नदी भारत और भूटान को विभाजित करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में भी कार्य करती है इस अभ्यारण में विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएं देखी जा सकती हैं। इसमें लगभग 22 सबसे खतरनाक प्रजाति वाले जानवर निवास करते हैं और इसमें मुख्य रूप से हाथी गेंडा बाघ तेंदुआ भालू हिरण सांप, जंगली भैंस लंगूर रहते हैं और कई विभिन्न प्रकार के पक्षियों का भी निवास स्थान है यहाँ पर वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं इस पार्क में सैलानियों के लिए जंगल सफारी भी करवाई जाती है ये पार्क अपनी जैव विविधताओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है इसलिए यहाँ पे दूर दूर से सैलानी घूमने के लिए आते हैं तो ये थी मानस नेशनल पार्क से जुड़ी इम्पोर्टेंट बातें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट